ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इंदौर में गांव चलो बूथ चलो अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें इंदौर में 11 फरवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राऊ विधानसभा क्षेत्र में प्रवास किया। इंदौर महानगर के 1636 बूथों पर कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ भाजपा नेता, नगर अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे और जनता तक केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाएंगे। नए अद्भुत कार्यक्रम है ये, और मोदी जी और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो इस काम की योजना बनाई है, वास्तव में नीचे के लाभार्थी, नीचे की समस्या, नीचे जो काम हो रहे हैं, पंडित दीनदयाल जी ने जो कहा है कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का विकास, मुझे कहते हुए गर्व है कि मोदी जी के 9 वर्षों के अंदर अंतिम व्यक्ति का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री योजना के मकान, आवास योजना के मकान, घर में उज्ज्वला योजना के चूल्हे, ये सब दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, मैं इस गाँव में प्रभावित हुआ कि महिलाओं का आत्मविश्वास, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से करोड़ों रुपए का टर्नओवर हुआ। इस गांव की 400 से ज़्यादा महिलाएं लखपति हो गई और उनका आत्मविश्वास देखकर मैं भावविभोर हूँ। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, उनकी योजना जिस प्रकार यहाँ पर अधिकारियों के माध्यम से और कार्यकर्ताओं के माध्यम से क्रियान्वयन हुआ है, अद्भुत है। मैं यहाँ पर आकर बहुत भावविभोर हो गया। और ये गाँव चलो अभियान जो भारतीय जनता पार्टी का है, मैं समझता हूँ इसने हमको एक नई सोच दी है। एक परिवर्तन किस प्रकार नीचे तक हुआ, इसके हमने साफ दर्शन किए हैं। मैं मोदी जी को, नड्डा जी को, दोनों को धन्यवाद।